नगर परिषद व्यास देवी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर वृद्धजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष विनय शंकर पाठक, नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र, तो वहीं इनके साथ अनेक गणमान्य जन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो इस दौरान वृद्धजनों का सम्मान किया गया, तो उन्हें शॉल और श्रीफल भी भेंट किया गया। प्रेरणा दे रहे हैं कि वृद्धों की जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, उसी प्रकार वृद्धों ने, बुजुर्गों ने हमारी भी सेवा की है। बच्चों जहाँ बच्चे पैदा हुए थे, हमको पाला। अब एक बचपन है, एक लेख पड़ा था, बुढ़ापा बहुधा बचपन था पुनर्पण होता है, वही स्टेज इन लोगों की है। ये भी एक बच्चे का रूप हो जाते हैं, तो वृद्धों की सेवा ही सही मानी, सेवा करना ही वो सम्मान है। आपके नगर अध्यक्ष बनते हुए इतने अच्छे आपने योजना लागू की है, तो इन जो बुजुर्ग, इनके सम्मान के साथ इनके लिए कुछ योजनाओं का भी लाभ इन्हें मिलेगा? हाँ, उसमें एक योजना आई थी जो 100 साल के ऊपर है उनको 2000 रुपये तक देने के लिए था। और वैसे भी सरकार ने, हमारे चौहान माननीय कमल राज्य सरकार ने ये योजना बनाई है कि 300 से 1000 करने का था, लेकिन अभी 300 से 600 रुपये की है।